नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अजमेर में भी राखी पर कोरोना से बचने के संदेश वाली राखियों की इन दिनों धूम है। शहर में रहने वाले दुकानदार ने कोरोना संक्रमण से बचने वाले उपाय राखी के माध्यम से सुझाए हैं। इससे पूर्व भी अनूठी राखी तैयार बाजार में आई है, जिससे कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। नया बाजार स्थित दुकानदार ने कहा, कोरोना से सतर्क रहने और बचने का संदेश राखी के माध्यम से दिया है। राखी पर मास्क को जरूरी बताया है। उनका मानना है कि इस तरह की राखी जब बहन अपने भाई की कलाई पर बांधेगी तो कोरोना से सतर्कता रखी जाएगी। इस तरह की जागरूकता वाली राखियों की इन दिनों मांग भी है। राखी में सांप्रदायिक सद्भावना का भी संदेश राखियों के माध्यम से देते रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी से मुकाबला करने के लिए जागरूकता जरूरी है, इसी उद्देश्य से इस तरह की राखियां तैयार की गई हैं। कोरोना महामारी के संबंध में दुकानदार ने कहा कि हर साल से ज्यादा आपकी बार उछला आया है, जो पिछले 10 सालों में नहीं आया, यानी इस बार खरीदारी ज्यादा हुई है। पिछले साल लोगों ने मौली से काम चला लिया था, आपकी बार मार्केट अच्छा रहा है। सर, इस बार राखी को लेकर बहनों में उत्साह बहुत अच्छा देखा गया है और पिछले साल के मुकाबले इस साल लोगों में रुझान बहुत अच्छा है और स्पेशली बहुत तरह की वैरायटी अभी मार्केट में आई है। और सबसे जो इस बार कोरोना के हिसाब से जो राखी डिजाइन करी गई है, उसमें अभी एक मास्क राखी हमारे पास आई है, तो स्पेशली उसकी काफ़ी डिमांड हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो बहने हैं वो अपने भाई की सुरक्षा को लेकर ये राखी काफ़ी मात्रा में परचेज कर रहे हैं और इस राखी के प्रति काफ़ी उत्साह देखा गया है कि भाई की सुरक्षा को लेकर कि राखी राखी की जगह बन जाती है और मास्क भैया की सुरक्षा के हिसाब बहने अपने भाइयों को गिफ्ट दे दी है ना। और मार्केट बहुत अच्छा है और इस बार मतलब पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा रुझान इस साल देखा गया है। और इस बार पिछले साल क्या है, कोरोना के हिसाब से जो लोग बाग कुछ राखी भेज नहीं पाए, कुछ लोगों ने मूली के लच्छे बांध के पिछले साल काम चला लिया था और इस बार क्या है, लोगों में उत्साह बहुत है और काफ़ी मात्रा में मतलब राखी बिकी है और बहनों में उत्साह बहुत है। और मैं राजेंद्र कासट फ्रॉम अजमेर से।